वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा डिवोर्स के खर्चात कम करना चाहते थे, अपने बजट में रहते हुए रिहाइश का इंतजाम किया। सीनियर तजियाकार इकराम सहगल की आज पाकिस्तान में गुफ्तगू, बोले डिवोर्स दौरे का सरकारी बजट $68,000 था। सीनियर तजियाकार इकराम सहगल ने कहा, कभी किसी सरकारी प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं उठाया, ना कभी वफाकी हुकूमत का हिस्सा रहे और ना ही उन्हें हुकूमत का हिस्सा बनने की कभी ख्वाहिश रही। बोले बैरून मुल्क हम किसी पार्टी की नहीं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। चीन में मोहलिक कोरोना वायरस से मजीद 42 अफराद हलाक, मरने वालों की तादाद 213 हो गई। 10,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक, ऐलान। ये फैसला हिफाजती इकदाम के तहत किया गया, अहकाम तमाम एयरपोर्ट मैनेजर्स को जारी कर दिए गए। चीन में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथरमिन अला आज दरख्वास्त की समाअत करेंगे। भारत जंग शुरू करेगा तो खत्म हम करेंगे, अफवाज पाकिस्तान भारत को हमेशा सरप्राइज करेगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाजे कर दिया, कहा फरवरी 2019 में पाक भारत जंग दस्तक दे चुकी थी। अफवाज पाकिस्तान की तैयारी और मौसर जवाब ने अम का रास्ता हमवार किया। महमूद खान ने आज की तमाम सरकारी मसरूफियात मनसूख कर दी, वजीर आला तरक्याती मनसूबों से वजीर आजम को आगाह करेंगे। सूबाई वजीर इत्तला शौकत यूसुफ जई ने कहा, मुलाकात के एजेंडे के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। शहबाज शरीफ ने बरतानवी सहाफी डेविड रॉस का चैलेंज कबूल कर लिया। शहबाज शरीफ ने लंदन की अदालत में डेली मेल ऑनलाइन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सियासी साख को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई, डेली मेल ऑनलाइन ने बेबुनियाद इल्जाम लगाए, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे।